मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मिली जेट प्लस सुरक्षा। योगी की तरह हिमंता भी है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। क्या होती है जेट प्लस सुरक्षा? कांग्रेस से बीजेपी में आकर छा जाने वाले नेता, सीधा मुख्यमंत्री पद पर पहुंचकर कांग्रेस को जमकर लताड़ने वाले नेता, जिनकी हिंदुत्ववादी छवि से अक्सर विरोधियों के पेट में दर्द होता है। योगी की तरह ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाने वाले नेता असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों खूब लाइमलाइट में हैं। प्रखर हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं। ऐसे में हिंदुत्ववादी विचारधारा से चिढ़ने वालों की आंखों में वो खूब खटक रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे, उन्हें गुस्से में आकर कोई नुकसान ना पहुंचा दे, यही सब सोचते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमंता की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को जेट प्लस सुरक्षा दे दी गई है। जो हिमंता अभी तक जेट सुरक्षा के घेरे में थे, अब उनके सिक्योरिटी को अपग्रेड कर दिया गया है और उन्हें जेट प्लस सुरक्षा कर दी गई है। पूरे देश में अब हिमंता को जेट प्लस सुरक्षा दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री की सुरक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सीआरपीएफ को अखिल भारतीय आधार पर अपनी सुरक्षा को जेट प्लस की शीर्ष श्रेणी में अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर के केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से सिफारिश की गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसी के बीच आपसी परामर्श के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया और उसके बारे में सीआरपीएफ को सूचित किया गया। और क्योंकि अब हिमंता बिस्वा शर्मा की सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो हर वक्त सीआरपीएफ के 50 कमांडो के सुरक्षा घेरे में वो रहेंगे। ये सुरक्षा उन्हें पूरे देश में मिलेगी। ऐसे में आइए ये भी समझते हैं कि जेट सिक्योरिटी से जेट प्लस सिक्योरिटी करने का मतलब क्या है। क्या होती है जेट प्लस सुरक्षा? भारत के राजनेताओं और सम्मानित व्यक्तियों के काम और लोकप्रियता के चलते उनकी जान के खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। इसमें सुरक्षा का मजबूत घेरा होता है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अब जेट प्लस सुरक्षा की खासियत को भी जान लीजिए। जेट प्लस सुरक्षा में 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। जेट प्लस सुरक्षा में 36 सुरक्षाकर्मी, 10 एनएसजी और एसपीजी कमांडो होते हैं और साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं। आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया जाता है। सुरक्षा में पहले घेरे में जिम्मेदारी एनएसजी की होती है, जबकि दूसरी एसपीजी कमांडो की होती है। जेट प्लस सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स भी होते हैं। तो अब इतने बड़े सुरक्षा घेरे में ही रहेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। बता दें कि पिछले महीने हिमंता बिस्वा शर्मा हैदराबाद के भाग्यनगर में गणेश उत्सव समिति के विसर्जन सभा में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली थी। दरअसल जब हिमंता मंच से भाषण दे रहे थे, तभी एक शख्स ने बीच में आकर के मंच पर हिमंता के माइक छीनने की कोशिश की थी। आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। इस घटना के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर हिमंता को ये सिक्योरिटी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।